हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बारिश हो रही हो तो हम सभी के दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज आती है, गर्मा गर्म चाय और गरम गरम पकौड़े। और अक्सर जो सभी का पसंदीदा पकौड़ा होता है वो होता है ब्रेड पकौड़ा, और वो भी हलवाई स्टाइल। तो आज बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल, मार्केट स्टाइल, एकदम सॉफ्ट भी, क्रिस्पी भी, भरा भरा भी, फूला फूला भी, जबरदस्त ब्रेड पकौड़ा। और जितनी भी शिकायत आपको पकौड़े से रिलेटेड होती है कि तेल पी लिया, ब्रेड ऊपर से कोट नहीं हो पाई, बेसन तेल में बिखर गया, मैं आपके साथ ढेर सारी बहुत काम में आने वाली टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद तो ब्रेड पकौड़ा घर में ही बनेगा बाजार जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाजार जैसा फूला फूला मस्त ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेंगे 2 कप बेसन। घर की कोई कटोरी या कप ले लीजिए और उससे पूरा आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसन आप वैसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पकौड़े हमेशा बारीक बेसन यानी फाइन बेसन से बढ़िया बनते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब बेसन में डालिए 1 छोटी चम्मच अजवाइन। बेसन और अजवाइन का कॉम्बिनेशन बेहतरीन रहता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। इस तरह क्रश करके डालिए, इससे फ्लेवर पूरे बेसन में आ जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। बहुत थोड़ी सी ही डालनी है, बढ़िया पकौड़े में बाजार जैसा कलर आ जाए उसके लिए। या तो एक बिस्कर से या एक फोक यानी जो काटा होता है ना उससे आप इसे मिक्स कर दीजिए, इससे लम्स जितने भी होंगे वो टूट जाएंगे और आपको बैटर यानी घोल बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा बीच में करिए एक इस तरह से गड्ढा और थोड़ा थोड़ा करके डालिए पानी। एक साथ पानी बिल्कुल मत डालिएगा वरना गुठली बन जाएंगी और फिर आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी उनको सही करने में। असली चीज बढ़िया पकौड़ा बनाने के लिए घोल की होती है। अगर आपने इसको ज्यादा गाढ़ा कर दिया तो क्या होगा कि जब आप ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे ब्रेड डिप करते ही टूटने लगेगी, गाढ़ा घोल उस पर कोट नहीं हो पाएगा। ज्यादा पतला कर देंगे तो जैसे ही आप कढ़ाई में डालेंगे पकौड़ा सिकने के लिए उसकी बूंदी बूंदी गिरने लगेंगी, उसमें पीछे पूंछ सी निकल आएगी और जो बेसन है वो कढ़ाई में पूरा बहने लगेगा। और इस तरह से बढ़िया से आप 2-3 मिनट बैटर को फेटें, खूब अच्छे से फेट लें। अब ये देखिए बैटर को हमें किस कंसिस्टेंसी का बनाना है। ये देखिए जब आप इस तरह गिरा है तो कोई शेप नहीं बन रही, यानी उसमें रिबन रिबन जैसा नहीं बन रहा है, गिर रहा है बेसन और उसी में मिक्स हो जा रहा है, कोई शेप नहीं आ रही। इस तरीके की हमें घोल की कंसिस्टेंसी रखनी है, ना पतली ना बहुत ज्यादा गाढ़ी। अब एक बात का और आप ध्यान रखें कि जिस भी बर्तन में आप बेसन का घोल बना रहे हैं वो थोड़ा बड़ा लें, यानी ऐसा होना चाहिए कि उसमें ब्रेड का जो स्लाइस है वो आसानी से डिप हो जाए। और अब हम बैटर को रखेंगे लगभग 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पर, जो बेसन है वो बढ़िया से फूल जाएगा और पकौड़े में रंगत बढ़िया आएगी। फटाफट बनाते हैं ब्रेड पकौड़े वाली स्पेशल चटनी, क्योंकि ब्रेड पकौड़े का मजा तो असली चटनी से ही है। पकौड़े वाली चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्राइंडिंग जार में डालेंगे फ्रेश धुला हुआ हरा धनिया, साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा मुट्ठी भर फ्रेश पुदीना, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही डाल देंगे 2 से 3 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काटकर। इस चटनी में लहसुन बहुत बढ़िया लगता है तो मैं डाल रही हूँ लगभग 5-6 लहसुन की कली। चटनी में बढ़िया कलर आने के लिए, उसका टेक्सचर बढ़िया लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच मूंगफली, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा, थोड़ा सा डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, बढ़िया स्वाद के लिए 2 पिंच हींग, 1/4 छोटी चम्मच काला नमक, बहुत बढ़िया लगता है चटनी में। और डाल दीजिए खटास के लिए 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, अगर नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब एक मेरी बहुत जरूरी टिप, अक्सर आप सबकी शिकायत होती है कि चटनी बहुत जल्दी काली सी पड़ जाती है, उसकी रंगत खराब ना हो इसमें आप डालिए 3 से 4 आइस क्यूब्स। करके देखिएगा चटनी में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा, लंबे समय तक चटनी का रंग खराब नहीं होगा। ये चटनी हम ब्रेड पकौड़े के लिए बना रहे हैं इसलिए पतली नहीं बनाएंगे, इसको गाढ़ा ही रखना है। तो बस 1 से 2 चम्मच आप डालिए पानी, ज्यादा नहीं डालेंगे। और ये देखिए वाह, कितनी सुंदर कलर की चटनी हमारी तैयार हुई है, आप देख सकते हैं इसका बेहतरीन कलर और टेक्सचर। फटाफट बनाते हैं मस्त चटपटी चटकारेदार ब्रेड पकौड़े की आलू वाली स्टफिंग। ब्रेड पकौड़े वाला आलू मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप पैन में डालें 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक और हरी मिर्च जब तक बढ़िया से ना पड़े ना मसाले में मजा नहीं आता। अब सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट जो जबरदस्त स्वाद देगी मसाले में, और वो है हींग। यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। अब इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। सभी चीजों को हल्का सा भून लेंगे। आज जो ये आलू मसाला मैं आपको बता रही हूँ ना, यकीन मानिए ऐसे ही बनाइएगा, इतना जबरदस्त टेस्ट आएगा विश्वास नहीं होगा कि घर में बने हुए ब्रेड पकौड़े हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू।
यहाँ जरूरी पॉइंट, आलू को पहले उबाल लें, उबालने के बाद पूरी तरह ठंडा होने दें, उसी के बाद आप उबले हुए आलू लें जिससे कि जो मसाला है बाद में गीला ना हो। और हल्का सा भूनने के बाद इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे हमारे क्रश्ड उबले हुए आलू। आलू डालकर इन सभी चीजों के साथ आप थोड़ा सा आलू को भून लें। अब यहीं पर हम डालेंगे अपने फ्लेवरफुल मसाले। तो ये गए 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी ही डालनी है, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा बढ़िया से डालें, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, और अब जाएगा इसमें 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब आलू के साथ सभी मसालों को बढ़िया से भूनिए और इस तरह से बढ़िया से मैश करते हुए पूरे आलू के मसाले को आप भून लें। जो भी थोड़े बहुत बड़े बड़े चंक्स होंगे ना आलू के, उन्हें इस तरह प्रेस कर करके दबा दबा कर आप अच्छे से मैश करें, जिससे कि जब आप आलू फिलिंग लगाएं ब्रेड पकौड़ा पर तो बढ़िया से ब्रेड पकौड़ा सील हो जाए। उसमें बड़े बड़े चंक्स रहेंगे तो वो अच्छी तरीके से सील नहीं हो पाएगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छी तरीके से भुन जाने के बाद इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। चाहे तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर चाट मसाला भी यूज किया जा सकता है। 1 छोटी चम्मच के करीब आप कसूरी मेथी डाल दें, बहुत ही लाजवाब लगेगी इसमें। और साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से कर दीजिए सब चीजों को मिक्स। यहाँ जो आप मसाले डाल रहे हैं उन्हें बढ़िया ही रखिएगा, क्योंकि ब्रेड पकौड़े का जो मेन फ्लेवर है वो इस आलू मसाले से ही है, तो ये थोड़ा चटपटा रहेगा तो बढ़िया लगेंगे। और बस फाइनली इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारी बहुत ही बढ़िया ब्रेड पकौड़े के लिए आलू स्टफिंग है तैयार। तो गैस को करेंगे ऑफ और इसको होने देंगे थोड़ा सा ठंडा। अब ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 स्लाइस सैंडविच ब्रेड। आप ब्रेड कोई भी ले सकते हैं। तो अब आप लीजिए सैंडविच ब्रेड। सबसे पहले हम लगा लेंगे हमारी मस्त वाली चटनी दोनों साइड, और चटनी को इस तरह से हल्के हाथ से आप ब्रेड पर कर दीजिए स्प्रेड। अब जैसे मैं यहाँ चटनी लगा रही हूँ, अगर आप बिना चटनी के बनाना चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं, आलू का मसाला लगा लीजिए डायरेक्ट, वैसे भी बना सकते हैं। ये मैं वो तरीका बता रही हूँ जो जनरली मिठाई वगैरह की दुकान या चाट की दुकान पर ब्रेड पकौड़ा मिलता है ना, या बाहर कॉलेज वगैरह के कैंटीन्स वगैरह में, तो ये उस तरीके का है। अगर आप थोड़ा सा मीठी साइड पर पसंद करते हो ब्रेड पकौड़ा, तो यहाँ पर आप टोमेटो केचप या मीठी जो सॉल्ट होती है ना इमली वाली, वो भी यूज कर सकते हैं। अब इस पर लगाएंगे अपना चटपटा वाला मजेदार आलू मसाला। इस तरह से हाथ से लीजिए, फटाफट लग जाएगा, तो बस इस तरह प्रेस करते जाएं। अब घर पे बना रहे हैं ना तो कंजूसाई कैसी, भर के बनाएंगे बढ़िया से। बाजार वाले तो इतना नहीं लगाते हैं, हम अच्छे से लगाएंगे तभी मजा निकल कर आएगा, क्योंकि ब्रेड पकौड़े के अंदर सब कुछ तो ये स्टफिंग ही है ना। और बस दूसरी ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और सारे ही ब्रेड पकौड़े के लिए हम ब्रेड इसी तरह तैयार करेंगे। और बीच में से कर लेते हैं कट। परफेक्ट, एकदम मस्त दिख रहा है ना। और ये लीजिए मैंने सभी पीसेस तैयार कर लिए हैं और एकदम बढ़िया दिख रहे हैं, बनने के बाद तो और भी अच्छे लगेंगे ये देखिए। और ये लीजिए बैटर है हमारा बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी, और बेसन भी बढ़िया से फूल गया है। अब आती है 2 सीक्रेट ट्रिक जो हमारे ब्रेड पकौड़े को बनाएंगी बिल्कुल बाजार की तरह फूला फूला, क्रिस्पी भी और सॉफ्ट भी। मैंने कढ़ाई में पहले ही ऑयल गरम होने रख दिया था, तो इसमें से 1 बड़ा चम्मच गरम तेल आप इस तरह लीजिए और इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच गरम तेल। इससे जो हमारे ब्रेड पकौड़ा है वो क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे, दोनों का ही परफेक्ट बैलेंस आएगा जैसे बाजार के ब्रेड पकौड़े में आता है। और इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक में डालते हैं ना बेकिंग पाउडर, बस वही वाला। खाना सोडा यहाँ नहीं डालेंगे, अक्सर खाना सोडा डालने से जो पकौड़े हैं जल्दी नरम पड़ जाते हैं बाद में ठंडे हो जाने पर, और साथ के साथ ऑयल भी अब्सॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बेकिंग पाउडर से आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। बाजार में भी हलवाई बेकिंग पाउडर ही डालता है, मुझे देखते हैं ना एक अलग सा क्रिस्प होता है, साथ के साथ फूले फूले होते हैं, वो बेकिंग पाउडर की वजह से होते हैं। ये है 2 सीक्रेट ट्रिक। अब अच्छी तरीके से बेकिंग पाउडर डालकर हम मिक्स करेंगे। ये देखिए अब जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की वो ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बहुत ज्यादा पतला। अगर आपको थोड़ा भी यहाँ गाढ़ा लगे, थोड़ा सा पानी डालकर आप बैटर को बैलेंस कर लें। ब्रेड पकौड़ा परफेक्ट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप, आप लीजिए थोड़ी सी फैली हुई बड़ी कढ़ाई और उसमें डालिए ऑयल, और ऑयल को यहाँ पर बढ़िया गर्म कीजिए। जब आप पकौड़ा डालें तो तुरंत से ऑयल में बबल्स आने चाहिए, डालते ही पकौड़ा ऊपर आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। ठंडे तेल में हमें पकौड़े को बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। अब आप लीजिए ब्रेड की स्लाइस जो हमने तैयार की थी पकौड़े के लिए, और देखिए इसको आप पहले इस तरह से यहाँ से सील कीजिए, इस किनारे से सील कीजिए और इधर से, ठीक है। और अब इसको इस तरह से सब तरफ से कोट कर दीजिए।
क्योंकि कंसिस्टेंसी बैटर की बिल्कुल परफेक्टली है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ब्रेड को बेसन में कोट करने में परेशानी नहीं हो रही। तो बस इस तरह से कोट करके आप पकौड़े को उठाइए और ऐसे कर दीजिए, तो जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो नीचे ड्रिप हो जाएगा और इस पे कोटिंग परफेक्ट हो जाएगी, परफेक्ट। और गरम तेल में फ्लेम को मीडियम करते हुए पकौड़े को इस तरह से डाल देंगे। आप देख सकते हैं तुरंत बबल्स आ गए हैं, अभी थोड़ा सा नीचे से सिकने देंगे और धीरे धीरे एक चम्मच से इस तरह से ऊपर की सतह पे हम ऑयल डालेंगे, जिससे कि जो ऊपर की लेयर है वो भी परफेक्ट सिकती जाए। पहले मैं आपको एक दिखा रही हूँ, उसके बाद आप चाहें तो एक साथ तीन तीन भी बना सकते हैं। और बस इस स्टेज पर धीरे से पकौड़े को पलट देंगे। वाव, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आया है, नीचे से भी अच्छी तरीके से पकौड़े को सिकने देंगे। और आपने एक चीज गौर की, ना तो बेसन की कोटिंग तेल में बही है, ना कोई पूछे निकली है, ना बूंदियां आई हैं, क्योंकि जो बैटर की कंसिस्टेंसी थी वो परफेक्ट थी, जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो परफेक्ट है। बहुत ही प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हम ब्रेड पकौड़े को निकाल लेंगे। ये देखिए, वाव, बेहतरीन और सुपर टेक्सचर, कहीं से भी आप देख सकते हैं सब तरफ से वेल सील्ड। और ये देखिए, आप इसके टेक्सचर से ही समझ सकते हैं एक बूंद भी ऑयल अब्सॉर्ब नहीं किया है पकौड़े ने, ये खास बात है। मैंने आपके साथ सारी टिप्स शेयर की है, इसलिए आपको पहले एक बनाकर दिखाया जिससे आपको क्लियर हो जाए। और नीचे ऑयल में भी आप देख सकते हैं ना कोई बेसन है, ना ही बहुत सारी बूंदी है। और बिल्कुल उसी तरह हम सारे ही ब्रेड पकौड़े सेक लेंगे। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे जबरदस्त टेस्टी मार्केट स्टाइल मजेदार चटकारेदार ब्रेड पकौड़ा। लग रहे हैं ना एकदम बेहतरीन। वाओ, शायद मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं कि हमारा ब्रेड पकौड़ा कैसा बना है। ये आप देख रहे हैं, इसका तो कहना ही नहीं है, समोसा फेल हो जाएगा। आप बनाइए इसे और फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि ये ब्रेड पकौड़ा देखकर आपके मुंह में पानी आया या नहीं। साथ ही मैंने ब्रेड पकौड़ों को सर्व किया है मीठी वाली, जो स्पेशल समोसे वाली चटनी होती है ना, पकौड़े वाली समोसे वाली मार्केट में मिलती है, बस उसी के साथ। साथ ही हरे धनिये की हरी वाली जो अभी चटनी बनाई थी ना, उसके साथ जरूर बनाइए, आपका भी ऐसा ही बनेगा। सारी मेरी टिप्स फॉलो करके बनाइए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। और सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।